भारत नेपाल सीमा के हरलाखी सीमावर्ती मुख्य सड़क पर कस्टम एसएसबी और पुलिस ने संयुक्त रूप से गुप्त सूचना के आधार पर दो दुकानों में छापेमारी कर कालाबाजारी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। हरलाखी गांव के खाद दुकानदार शिवजी महतो और ललित शाह के दुकान में छापेमारी कर कालाबाजारी के भारी मात्रा में खाद को जब्त कर लिया है, जिसमें दो अलग अलग पिकअप वैन व तीन ट्रैक्टर पर जब्त किए गए खाद को लादकर हरने एसएसबी कैंप में जमा किया गया, जिसमें एक पिकअप वैन को दुकान के ही समीप जब्त किया गया था, जबकि दो ट्रैक्टर को भाड़ा पर लादकर खाद लोड किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान खाद दुकानदार मौके से फरार हो गया। वहीं इस कार्रवाई से आसपास के इलाकों में खाद दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया है, जिससे कई दुकानदार अपनी अपनी दुकान बंद करके फरार हो गए। एसएसपी व कस्टम अधिकारी ने बताया कि खाद कालाबाजारी का सबसे बड़ा माफिया उमगांव का खाद दुकानदार शिव कुमार महतो है। जब्त खाद को एसएसपी कैंप में जब्ती सूची बनाने के बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए कस्टम कार्यालय में जमा कर दिए जाएंगे। इस कार्रवाई में पिपरौन कस्टम कार्यालय के कस्टम अधीक्षक सुखदेव राम, पिपरौन कंपनी इंचार्ज इंस्पेक्टर अविनाश कुमार, हरने कंपनी इंचार्ज एसआई लक्ष्मी राम समेत दर्जनों एसएसबी जवान व पुलिस बल शामिल थे। गौरतलब है कि किसानों को खेती के लिए इन दिनों सीमावर्ती इलाकों में खाद की किल्लत हो गई, जबकि खाद की कालाबाजारी से खाद दुकानदारों की चांदी कट रही है। किसानों द्वारा खाद की समस्या को लेकर सड़क जाम करने व लोगों की शिकायत के बावजूद विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता, जिससे विभाग पर सवाल ये निशान उठ रहे हैं। परिणाम स्वरूप लोगों की बार बार शिकायत के बाद कस्टम एसएसपी और पुलिस को संयुक्त रूप से क्रॉस कार्रवाई करनी पड़ी। महिला कौन खड़े रहे? खबर नहीं देख ले जो कौन खड़े उस महिला का हो? ए अरे माय महिला कौन खड़े रहे? खबर नहीं देख ले जो कौन खड़े उस महिला का हो? आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।